जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है एजुकेशन के किसी भी टेस्ट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बात है कि फर्स्ट सेट में, सेकंड में, थर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट ना हो, ये मेरी कोशिश है। इट मींस हर सेट दूसरे से डिफरेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। शायद ये वर्ड पहली बार कही जिन्होंने सुना हो, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि GER की फुल फॉर्म की है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है GER, बार बार उसमें शब्द आएगा। और किसी नेशन की एजुकेशन सिस्टम का एक एस्पेक्ट को कंपेयर करना है बड़े एस्पेक्ट को, तो GER कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर एक डिफरेंट वीडियो है जो मेरे ख्याल में हर हालत में देख लेनी चाहिए। उसके बाद उसके बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी पाए हैं, वीडियो यह है, लिंक नीचे दिया गया होगा। ये इसलिए है कि आपको एजुकेशन में जा रहे हो और एजुकेशन का कंसेप्ट, जो कैसे डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन कैसे होती है, इसका फार्मूला क्या है, वो समझ में आ जाए, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साथ में बात की है, NER की बात की है, वो तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में इस वीडियो में समझाए हुए हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है ये भी बताया है, यहां पर होगा कि इसका फार्मूला भी, है ना। टोटल एनरोलमेंट ऑफ एज फॉर एग्जांपल यहां भी समझाएंगे, वैसे मैं अलग से समझा देता हूं कि आपकी पॉपुलेशन एजुकेशन का एक लेवल लेना है। फॉर एग्जांपल यहां पर एलिमेंट्री लेवल लिया है, एलिमेंट्री लेवल में हमने एज ईयर पहले, एलिजिबल एज क्या है उसके लिए 6 से 14 साल है, मान लीजिए आपने रखी है ना, 6 से 14 साल यहां भी लिख दी साथ में। तो 6 से 14 साल के बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है आपके एरिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब में, तो वो पॉपुलेशन नीचे आएगी और ऊपर टोटल नंबर जो एनरोलमेंट है उस एज के बच्चे नहीं, अगर सिर्फ उस एज के बच्चे काउंट करें हैं, तो NER नेट एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगी। अगर ये बन जाती है कि इस रेंज से परे बच्चे भी उस क्लास में जो आ रहे हैं वो कितने एनरोल हुए हैं, उनको ऊपर लिख लेना है। मान लीजिए दिल्ली की जो टोटल पॉपुलेशन 6 से 14 साल की 100 बच्चे हैं, 100,000 कुछ भी हो सकते हैं, छोटी सी रकम इसलिए लिए समझ आ जाए, और 90 एनरोल हुए हैं, उनको 100 से गुना किया, ये फॉर्मूला है। और 90% GER हमेशा परसेंटेज में होगी, तो 90% जो है उस एरिया की GER है, ग्रॉस एजुकेशनल रेशो, एजुकेशनल नहीं है जानबूझ के बोला हूं, एनरोलमेंट है ये। अब ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। रेशो इंडिकेटर फॉर किसका है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बच्चे कितने स्कूल गए, सिर्फ इतनी सी बात है। ये तंग कर रहा है भाई। दूसरा है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स एजुकेशनल गोल, एजुकेशन है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, प्रोग्रेस जितने बच्चे स्कूल जाएंगे उतना एक प्रोग्रेस का इंडिकेटर है, तो ये बेटर ऑप्शन है अभी तक की। असेसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी की बात डायरेक्टली GER नहीं करता, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये कंसेप्ट उसमें भी बताए गए हैं, और टीचर की बात नहीं है, स्टूडेंट्स की है। इवेल्युएटिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो राइट आंसर इज प्रोग्रेस एजुकेशन की देखने के लिए GER मेजर किया जाता है। सेकंड है नेट एनरोलमेंट रेशो NER, उसी वीडियो में भी बताया गया है, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, द रेलेवेंट एज ग्रुप, द एलिजिबल स्कूल एज पॉपुलेशन। अब ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर रेलेवेंट स्कूल पॉपुलेशन एज होता तो ये कॉम्बिनेशन में सही बनना था, लेकिन यहाँ एलिजिबल पीछे बात करके आए हैं, 6 से 14 साल के वाले बच्चे मान लो एलिजिबल हैं, हमने रखे हैं RTE एक्ट में भी है 6 से 14 साल, पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 में भी यही थे, 6 से 14 साल मान लीजिए हमारी डेफिनेशन कह रही है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डेफिनेशन बड़ी हो चुकी है। तो एलिजिबल बच्चे और ऊपर भी कितने, यहाँ नीचे भी कितने हैं, मान लीजिए 100 थे और ऊपर भी मान लीजिए 80 बच्चे एलिजिबल आए हैं, बाकी ओवरएज या अंडर एज के हैं, तो जब ये कैलकुलेट करते हैं उसी एज को, तो वो NER हो गई, गुना 100 से ही करनी है। वापस चलते हैं, तो एलिजिबल एज स्कूल ये वाला ऑप्शन आएगा, सी शिक्षकों की गुणवत्ता, ये तो पिछला वाला ऑप्शन हो गया, अभी आगे चलो ये वाला, हाँ सी
पात्र स्कूल उम्र की आबादी है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ज्ञान धारा। ये कंसेप्ट कम सुना होगा, ज्ञान दर्शन सुना होगा, ज्ञान वाणी सुना होगा। तो दर्शन को दूर दर्शन से जोड़िए, याद रखने के लिए देखने वाली चीज़ है। वाणी को वाणी सुनने वाली चीज़ है, इट मीन्स रेडियो उधर डोमिनेट करेगा। ये क्वेश्चन शायद आगे इजी में आ जाए, है ना। व्हाट इज ज्ञान दर्शन एंड इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आना चाहिए, क्रिटिकल क्वेश्चन है। जो हम मोस्टली इसको टिक कर सकते हैं शायद डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये यूज होते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म ये हो सकता है। ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं, इसलिए मैंने टिक किए थे। एक्चुअली है ज्ञान धारा इज अ काउंसलिंग सर्विस, ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, ज्ञान ऑडियो, ए से ए जोड़ दिया और ऑडियो को याद रखना है, ऑडियो काउंसलिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में भी साथ में लेके चलना है, फोर्थ है, ज्ञान धारा इज ओके। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, अगर पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। इस पर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाइव डिस्कशन करते हैं और आप टेलीफोन करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आपको उत्तर मिलेगा। वो उत्तर आपको ईमेल के जरिए, टेलीफोन के चैट मोड के जरिए, है ना, मिल सकता है। अगर वो काम ना करे तो ज्ञानवाणी को ये यूज करते हैं। एक वर्ड वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लंबा हो जाता है वीडियो। ज्ञानधारा फीड को लास्ट में यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द पीपल टीचर रेशियो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर सोशली डिसएडवांटेजेस की बात होती है तो रेशियो कोई और है, अगर नॉर्मल कहा गया है तो वो 30 की रेशियो ही है। रेशियो जो है 30 की है, और 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होगा, हाँ ये होगी। अगर सोशली डिसएडवांटेजेस एरिया, बैकवर्ड एरिया है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो पहली पॉलिसी ने शायद आइडेंटिफाई किए थे पीछे, इससे पहले उसकी बात नहीं यहाँ करेंगे, तो वो उनके एरिया के लिए पीपल रेशियो कम है, 25 बच्चों के पीछे एक टीचर होगा, है ना। ये दो अलग अलग उत्तर है, यहाँ नहीं पूछा गया, दैट इज वाई 30 वाला आंसर राइट होगा। आरटीई एक्ट में से ही ये उठाया गया है, आरटीई एक्ट में भी के बारे में भी पूछा जा सकता है, अगर यही क्वेश्चन जो है आरटी एक्ट के स्केप को स्टेम बना के पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव दैट रिप्लेस्ड सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा है। समग्र शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं हो सकता, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में पढ़ लेना, मैंने शायद क्वेश्चन डाले होंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेट में डाले हैं। वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे में कौन से स्टेट की जो है, जो सर्वे क्या होता है ये उसमें बात करेंगे, है ना। एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हम फीडबैक सिस्टम हैं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बिल्कुल डिफरेंट है, तो समग्र शिक्षा ये न्यू नेम है इसका, सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है माध्यमिक से याद रखना है, जैसे एलिमेंट्री है ऐसे माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके बारे में डिफरेंट वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कम से कम 10-15 क्वेश्चन हर में से बनते हैं ना, तो वो एजुकेशन के आप फील्ड में आ रहे हो वो पता होना भी चाहिए। बाद में हमने पीएस टेट सी टेट देना है, इसलिए कर रहा हूँ इतना वीडियो, इसलिए आप वो देख नहीं ना रहे। ये वाला वीडियो भी आपने देखा नहीं है, ये जो पीछे दिखा के आया हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर है ना, ये वीडियो चल रहा है। एक्चुअली इसने बाद में आपके सी टेट और पी टेट अगर बाद में भी देखने पड़ने हैं, पीएस टेट नहीं देना या स्टेट टेट नहीं देना या सी टेट नहीं देना, देना है तो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप बहुत कम पढ़ के आगे चल के जो है अपने कंसेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्लियर कर सकते हो। आपने यूजीसी नेट देना है, उसमें एजुकेशन का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, जीईआर के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, दैट इज वाई वो सिलेक्टेड वीडियो डालता हूं, वो अगर आपको ठीक लगे तो देख सकते हो। विच इज डायमेंशन इज कंसिडर्ड द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीनों ही रिलेटेड हैं, ये हो गया, हाँ हो गया। कौन से डायमेंशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो उस वीडियो में डिटेल में इसमें बात की है, यहाँ पर हाँ
तो वो कौन कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है इंडिया का, बहुत पीछे हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है किसी देश का, इससे पता चलता है कि वो स्टेटस, उसका रैंक पोजीशन वर्ल्ड वाइड क्या है, वो हम देखते ही नहीं हैं। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की बुक जो है मेरी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रिफेस में, उसमें मैंने डिटेल ये डाटा कलेक्ट करके ना बनाए हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, किसी वीडियो में वो डिस्कस करूंगा, उसमें सारे आपके क्वेश्चन भी आ जाने। कोई कमेंट करके मुझे याद करवा देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एरिया सारे आइडेंटिफाई करके, एक ग्राफ है वही आपके सामने बस रखना है। जेंडर है, इक्वालिटी है, एजुकेशन है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ जेंडर इक्वालिटी एंड पोलिटिकल एम्पावरमेंट, जो जिससे जिससे बिल्कुल संबंध नहीं है, पॉलिटिकल से कोई भी संबंध नहीं है, जेंडर इसका कोई डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ये ब्रॉड कैटेगरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो उसमें एजुकेशन पार्ट है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक पार्ट है, उसका एग्जैक्ट नेम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है उसको कैलकुलेट किया जाता है, एजुकेशन जिसमें GER कैलकुलेट की जाती है, और हेल्थ हाँ है ना, आप कितना देर तक जीवित रहते हो, हमारी एवरेज एज क्या है, तो ये है HES, ऐसे याद रख सकते हो HES, ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो, एच से एजुकेशन इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऐसे भी आ सकता है, राइट आंसर है हिज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे कैसे याद रखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हिज, ऐसे याद रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, हु वाज अवार्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2020, माइकल रॉसन, याद कैसे रखा, पिंटर के आर से रोशन, पिंटर हाँ रोशन, रोशन इतना याद रखना है। लिटरेरी अवार्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी डिटेल पढ़नी है तो ये पढ़ सकते हो, आपको बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल में खुद में पढ़ लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन सॉरी यूके का अवार्ड है ये, लिटरेरी अवार्ड, नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11 नवंबर को। देखिए दो तीन क्वेश्चन है इसमें, टीचर डे आपको पूछा जा सकता है, टीचर डे कब, 5 सितंबर को, किसके बर्थडे पर है ना, तो आपको ये जानना होगा कि किसका बर्थडे होता है। अच्छा नेक्स्ट है कि ये जो है नेशनल एजुकेशन डे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, DLED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, यही से कुछ करते हो ना, MED करते हो, तो एजुकेशन डे किसका है मनाया जाता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज राइट आंसर। तो एजुकेशन डे, डे से जोड़ना है, डे आज़ाद, द डे ये जोड़ सकते हैं, 11 नवंबर से जोड़ सकते हैं, 1-1-9-M तक लिखूंगा क्योंकि M से रिलेटेड है मौलाना, अगर मैंने M से मौलाना लिखना है, MAULANA मौलाना, इतना लिख के भी याद रख सकता है, 11 नवंबर मौलाना है ना, नवंबर से एजुकेशन डे। ये 3-4-5 क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे याद रखना है, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर सूटेबल लगे तो अपना लेना, नहीं सूटेबल लगे तो अपनी डेवलप कर लेना, आप खुद कर सकते हो, आप इतने काबिल हो। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक तो स्पीकर का है ना, हमने पिछले वीडियो में हु इज़ हु में क्या किया था कि स्पीकर कौन है, कैसे मुझे याद रखा था अभी कि पार्लियामेंट में इधर ऐसे लोग बैठते हैं, वो जो चुने गए हैं ऐसे बैठते हैं, यहाँ पर ओ वो बैठते हैं, ये ओम से याद रखा था कि स्पीकर ओम, ओम से वो रिलेटेड है, ये याद रह गया, ओम बिरला। तो डिप्टी स्पीकर कौन है, राजीव प्रताप रेड्डी करिया मुंडा, एम थंबी दूरियाई, तो ये एक ऑप्शन और भी है कि द करंट लोकसभा डज नॉट हैव द डिप्टी स्पीकर, ये बात सच है कि अभी तक ये पोस्ट खाली है, तो ये पॉलिटिकल मामला है, अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है, अभी करंट इशू में अगर आप कर रहे हो तो ये नहीं है। विच कंट्रीज नेशनल फुटबॉल टीम हैज वन फाइफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम, किसने
स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील, ब्राज़ील, ऐसे गाना मुझे याद आया। और मैं फुटबॉल जब आता है तो यही गाना याद रहता है। दूसरा है फुटबॉल लिखा, ब्राज़ील लिखा, ऐसे ब्राज़ील लिखा। तो ये खत्म हो गई कहानी। 5 बार ये जीत चुके हैं, 4 4 बार दूसरे देश, कौन कौन, यहाँ लिखा है मैंने जर्मनी और इटली ने 4 4 बार जीता है। हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन वुमेन प्लेयर अर्न ओलंपिक सिल्वर मेडल, कौन है, हमें पता होना चाहिए। हाँ, हिंदी में है साइना नेहवाल, हाँ पी वी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा। तो नाम बड़े डिफिकल्ट हैं याद करने, उसमें से वो एरिया उठाना है, नाम का एरिया उठाना है जो आपको ऑड लगता है आपकी पिछली नॉलेज से। देखिए, एक अप्रोच होती है एजुकेशन में, नोन से के से अननोन की तरफ जाना। मैं ये स्ट्रेटजी ही आपको बता रहा हूँ, नोन से आपको जो भी नोन है उस वर्ड को उसके साथ जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर पी वी सिंधु जी राइट आंसर हैं। कौन है, वुमेन प्लेयर अर्न ओलंपिक सिल्वर मेडल, किसमें, बैडमिंटन में। तो यहाँ कुछ भी मैच नहीं हो रहा मेरे से, तो सिल्वर हुआ है कि सिल्वर, सिंधु जी सिल्वर, ऐसे जोड़ लिया मैंने, एस एस को जोड़ा, सिंधु जी सिल्वर, इतने में याद रह गया। बाकी अंश मिल जाते हैं वहां के, बाकी डिलीट कैसे होते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन इतने वीक होते हैं कि राइट आंसर की तरफ थोड़ा सा हिंट मिले आप चले जाते हो। ये और कोई उसमें उनके बारे में डिटेल पढ़नी है, क्योंकि वीडियो ने लंबा हो जाए, आगे चलता हूँ। कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद, नाम बड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जिनके कल्चर का, उनको बड़ा प्यारा लगेगा। याद कैसे रखना है, अब वो के किसके खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस के, हॉकी के, चेस के, बैडमिंटन के। हाँ, तो राइट आंसर इज कोनेरू हम्पी। मैंने कैसे याद रखा, ये राइट आंसर चेस है ना, ऐसे समझ लिया कि ये चेस के वो ब्लॉक हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंगारू है कंगारू लिख लिया, क्योंकि कंगारू से मैच कर रहा है ये वर्ड है, यहाँ पर लिख दिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल वो है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, हम्पी अगर इससे कुछ एसोसिएशन होती है उससे आप याद रख सकते हो। देखा है चेस के बोर्ड पर कंगारू को खेलते हुए इमेज बन गई, तो वो इतनी में याद रहेगा। विच सिटीज होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, कहाँ पर। इस पर क्वेश्चन हर बार बहुत, अब बहुत जो इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट ने लिए हैं उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंपल नुक्ता ये है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं, न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश और न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली एक याद रखना है, एक मध्य प्रदेश, एमपी इज मेन, दिल्ली में तो साथ में है क्या, 2023 एमपी एंड न्यू दिल्ली, क्योंकि पिछले वाले कम पूछे जाते हैं, यही वाले पूछे जाते हैं, ये आपको एमपी और ये याद रखना है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन द कॉन, क्या था इसका पूरा नाम, KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात है ये, है ना। तो 56 राइट आंसर इज, ईयर भी साथ में देख लेना है। जो महाराष्ट्र हरियाणा ये कभी वो कभी वो, अगर उत्तर इनमें से आए तो यही उत्तर इनमें से ही देना है महाराष्ट्र, अगर थर्ड फोर्थ पूछते हैं तो फिर अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा सिर्फ इसी पर, KIYG पर। द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, सकंद गुप्त। क्वेश्चन क्या है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, सिकंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, चंद्रगुप्त दो भी हैं, एक भी हैं, दो भी हैं, है ना। दूसरा है कुमारगुप्त। तो ये विक्रमादित्य से बात कैसे हिंदी से याद रहा, विक्रमादित्य की उपाधि जो है द्वितीय, हाँ ये मिल गया, द्वित्य द्वितीय, इसको जोड़ लिया मैंने, मेरे माइंड ने जोड़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एस की तरह, किसकी शेप है,
निम्नलिखित में कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के वर्णमाला एस जैसा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये देखिए अटलांटिक महासागर, इसकी इमेज अगर देखनी है तो जी ये देखिए अटलांटिक, ये है ना एस जैसा, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, है ना। ए जो है यहाँ लिख रहा हूँ अटलांटिक, अटलांटिक जो है अटलांटिक एट, वो एस जैसा है, ये बात है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसको छोटा करके ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? 16वां 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरालवी पर्वत, है ना। तो आंसर इसका क्या है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न एंड एन से एन जोड़ दिया, ईस्टर्न का एन से घाट, ये रहा घाट्स, ये रही घाट की गिरी, घाट की गिरी। तो वैसे इसको विजुअली समझना है, ये स्ट्रेटजी कहीं उन्हें काम नहीं करेगी। तो आप ये इसको देखिए, इंडिया का वो भाग जिसमें, ये ध्यान से देखिए, केरला ये रहा, और ये कर्नाटका उसका हिस्सा है, और ये तमिलनाडु, ओके। तो नीलगिरी, इन सभी के बीच में ये नेशनल रिजर्व आती है। इट इज़ लोकेटेड वेस्टर्न घाट एंड एनकम्पास पार्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये क्वेश्चन बनता है। इट इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया, दूसरा क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ओके। जो केरला घूमने जाते हैं इनको वहाँ ये भी देखा है साथ में, शायद यहीं जाते हूँ, मैं तो गया नहीं। द रिजर्व एनकम्पास 5520 किलोमीटर स्क्वेयर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में इतना है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कर्नाटका में इतना है, ये नहीं पूछा जाएगा। केरला में 1455 है। इट फॉर्म्स, अच्छा सबसे ज़्यादा किस में है, ये आ रहा है सबसे ज़्यादा 25-35, ये हाँ सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक्सट्रीम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इट फॉर्म्स नीलगिरी पर्वत, इट फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट रिंग राउंड द नीलगिरी प्लेचू। चलते हैं आगे, वापस नीलगिरी पर्वत से वापस आ जाते हैं और हम पहुंच गए हैं अब, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? जब मुझे समझ नहीं आया था, मैंने पहले कॉकपिट का मीनिंग देखा है ना, थोड़ा सा पता था, एरोप्लेन देखा है आपने चढ़े होंगे, तो कॉकपिट यहाँ पायलट बैठते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, है ना। तो इसको जंगी जहाज ऐसे भी जोड़ सकते हो जो उसके साथ। तो ये कॉकपिट ऑफ यूरोप इसलिए बेल्जियम को कहा जाता है क्योंकि बेल्जियम बी सी, कॉकपिट बी सी, ऐसे याद रख लिया। सारी एक जैसी टेक्निक भी काम नहीं करती, इसलिए जो टेक्निक आपको सूटेबल रहे। बेल्जियम इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप नॉट बिकॉज इट हैज अ हेडक्वार्टर इन यूरोप यूनियन, बट बिकॉज इट फैक्ट दैट इट हैज बिन बैटल ग्राउंड, दिस इज द नोन बैटल ग्राउंड। देखिए कॉकपिट बैठ के जो है वो पायलट जो है, मान लीजिए युद्ध कर रहा है, ऐसी आपके मन में इमेज बना सकते हैं। बैटल ग्राउंड फॉर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड विदाउट द कंट्रीज हैविंग एनी इंटरेस्ट इन बेल्जियम। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये है कहाँ, ये इसका मैप है, ये देख सकते हैं बेल्जियम, ये कॉकपिट ऑफ, इसके इस तरफ फ्रांस, इस तरफ जर्मनी, इस तरफ नीदरलैंड, तो यही नाम पीछे आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। हमें लगता है कि ये भगत सिंह ने, लेकिन भगत सिंह इसमें तो है ही नहीं, मोहम्मद इकबाल, इसका भी बदल नहीं यार, हिंदी वालों को भी ये रहा है ना, यहाँ पर ये रहा 18वां 19वां, ये रहा ये मोहम्मद इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम, आनंद नारायण, मुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल्लाह,
सरफरोशी, सरफरोशी राम, सरफरोशी राम या बसमिल्ला शब्द आप साथ में जोड़ सकते हो कि बिस्मिल्ला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मतलब ये बोल के आप वो सॉन्ग उसी ट्यून में गाइए जहाँ राम प्रसाद जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये एक सच में प्रसाद की तरह है। किसने दिया? राम ने ये प्रसाद दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड इफ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। 20वां क्वेश्चन है, कौन बताएगा कि ये बिल जो है मनी बिल है या नहीं बिल है? प्रेसिडेंट नहीं, हाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा, यस स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए याद हो गया कि सेंटर में बैठे हैं, ये ओ है, ओ से ओम है ना, ओम बिरला जी सेंटर में बैठे हैं। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट चलते हैं, 21वां क्वेश्चन है, बार इज यूनिट ऑफ हीट टेम्परेचर करंट एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब बार को कैसे याद रखेंगे, प्रेशर को रख लो, प्रेशर र का बा, र नहीं याद हो रहा, नहीं बन रही बा है ना, तो कैसे भी है इसको याद करना है आपने। एटमोस्फेरिक प्रेशर इमेज बना सकते हो एटमोस्फेयर की, और इस ये रहा वो उसको मेजर करने वाला PSI, यहाँ BAR लिखा है ना, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को दूसरा प्रेशर कर सकते हो। मैं बार में जाता हूँ, बार में नहीं जाना वैसे, बार में जाता हूँ मेरे पे प्रेशर बहुत पड़ता है। हाँ मैं जैसे मेरे जैसा बंदे को बार में ले जाओ आप है ना, बियर बार में ले जाओ, कितना प्रेशर पड़ जाएगा। इतने में याद हो गया कि मैं बार में नहीं जा सकता, वह मेरे मन पे प्रेशर पड़ता है, वो वाले काम मेरे से नहीं होते। अच्छा, राइट टू वोट इज ए पोलिटिकल राइट, सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट, लीगल राइट। मेरे ख्याल में लीगल राइट यस है, लेकिन ये रॉन्ग है, इकोनॉमिक राइट तो नहीं है, सिविल राइट होगा, नहीं ये भी रॉन्ग है, पॉलिटिकल राइट ये है ना। 300 ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है ना, उसके बेस पर ये डिसाइड होगा। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बड़ी तेजी में निकाल रहा हूँ इसको। इसी के लिए दूसरी ऑप्शन क्या बनती है, सेम क्वेश्चन दूसरी ऑप्शन, दैट इज वाई इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन है। द राइट टू वोट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइट, फंडामेंटलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट। देखिए ऑप्शन बदल गई ना, अब क्या करोगे? लीगल राइट है उसमें क्लिक किया था, इतना रन किया है, अब तीन बचे हैं। यस फंडामेंटल राइट, वेरी गुड, यही राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चन बेस्ट होते हैं। नेचुरल राइट नहीं है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो फंडामेंटल राइट हैं कितने 12-14 से शुरू होके है ना 31 तक जाते हैं, तो उसमें ये नहीं है। मैंने पीछे भी लिखा है कि कौन सी धारा में ये आता है, उसके बेस पर डिसाइड होगा, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहाँ इसकी थोड़ी सी डिटेल है, द राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 2, 3, 2, 6 है ना। हाँ कहते 26 लग गई है, हिंदी में कहते हैं 26 लग गई है ना। आप इतना याद रख सकते हो कि वोटों के दिनों में 26 बहुत लगती है, वोट का अधिकार ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, याद रखने के लिए। अब स्मॉल स्केल के लिए पहला वर्ड स्मॉल ही होगा है ना, तो स्मॉल इसमें पहला वर्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये रहा SIDBI। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, SIDBI, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डेंसिटी, तो सारे ही देख लीजिए कौन कौन है। ये रहा पहला, तो फर्स्ट है लोधी, बा भी बा, पहले बा बा हो गई है ना, फिर सिकंदर लोधी, सिकंदर मिड में रह गया, वो तो कहता मैंने फर्स्ट आना था, इब्राहिम लोधी, द राइट आंसर हियर इज इब्राहिम लोधी। तो आपने ईयर भी याद करने हैं, वो अब यहाँ नहीं स्ट्रेटजी बताऊंगा और लंबी हो जाएगी वीडियो। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, किसी ब्लू रंग से ही होगा कि नहीं, नीला किससे होगा, पिछली बार क्वेश्चन व्हाइट पर आया था है ना,
तो राइट आंसर है स्पेस रिसर्च नाउ के ऊपर ब्लू ब्लू वो होता है। ये जो रेवोल्यूशंस है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इस फील्ड में के हैं, है ना। इरिगेशन, हाँ इस पर शक करो, इरिगेशन में नीला क्या होता है अभी, नीला कलर यहाँ यूज कर ले, नीला नीला क्या होता है, नीला होता है कुछ हिंदी में लिख के देखो, नीला ये रंग ही है नीला, इरिगेशन नहीं होता, फिशरी में होता है, ड्रिंकिंग वाटर में होता है। आप ये सोच लो, इमेजिनेशन करो, नीले वाटर में समुद्र का वाटर नीला होता है, उसमें फिशेज हैं, ऐसे सोच लो, ऐसे तो आपको याद रहेगा कि फिशरीज जो है वो उसको ब्लू जो है रेवोल्यूशन उसके साथ। पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 ये यार पीछे रह गए, ये वाले किए ही नहीं हमने, ये अगर देखने हैं तो सॉरी, ये वाले ये हो गए, ये 26वां, ये 27वां, हिंदी में अगर पढ़ना है 27वां हो गया। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट, नहीं वो तो यार शुरू में आ जाते हैं, सिटीजनशिप ये कोई बात नहीं बनी, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए हम ये कितनी बार करते हैं कि आर्टिकल 45 में पहले शिक्षा को की बात की गई थी, अब जे 21A में आ गया है, 21A का फंडामेंटल राइट है, इट मींस 21 के इर्द गिर्द जो हैं वो फंडामेंटल राइट हैं, है ना। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पहले था पार्ट 4 में है कि स्टेट को डायरेक्शंस देनी है, तो वो पार्ट 4 में आ रहा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, 1 2 3 4 चार पार्ट 4 में, ऐसे याद भी कर सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कौन हो सकते हैं, माधव गांधी, रामचंद्रम गुहा, रोमिला थापुर, सुजीत मुखर्जी। तो राइट आंसर है द बुक इंडिया आफ्टर गांधी, या आफ्टर गांधी इतना रख के गांधी का गुहा कर दो, है ना, कैसे भी आप गुहा से गोहे से भी कुछ किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, इमेजिनेशन में है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हम करने ना ही सोचना है, लेकिन उसको जोड़ देना है, मेमोरी स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नाम याद करने के लिए इंडिया आफ्टर गांधी गुहा इतना याद है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें लर्निंग स्ट्रेटजी ज्यादा नहीं हो गई। द केमिकल दैट इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन कौन सा है, सिल्वर, सिल्वर सभी में आ रहा है, नाइट्रेट है, लोडाइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है। अब ये राइट आंसर है लोडाइड, है ना। मैंने कैसे यार, यार जो ये नकली वर्षा होती है ना, वो हमारे शरीर पर या हमारे दिमाग पर लोड बड़ा डालती है, बहुत लोड डालती है, ऐसे ही है। ये नॉन साइंस वाले, दूसरे साइंस वाले तो मेरे से काफी आगे होंगे, मतलब मैं तो हो ही नहीं, वैसे कुछ हूं ही नहीं, नालायक बंदा रहा हूं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल, हिंदी में है कि परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोल, यार नहीं कभी भी नहीं सुना है ना, अब अगर फिल्में देखी होगी तो यूरेनियम के लिए कितना झगड़ा होता है, रेडियम, हाँ ये सुनते हैं, डीजल, तो ये तो पहले दो रिजेक्ट हो गए, इनमें से आंसर हो सकता है यूरेनियम है। तो किस में, न्यूक्लियर में, न्यू न्यू यू रेनियम ऐसे जुड़ गए ये, है ना, बस उसको याद रखना है, यूरेनियम याद रखना है, रह जाएगा। आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी, आप वो यूज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, बोन है, नेल, नाखून, इनमें से कोई नहीं, एनिमल, ये रहा वो पार्ट, दानेमल, एनिमल, दिस इज दैट पार्ट, और ये रहा वो वाला पार्ट, सबसे ज्यादा हार्ड ये होता है। ये मत करना किसी को कि यार तेरा दिल बहुत कठोर है, आप ये कहना यार तेरे ये एनिमल है ना वो सबसे ज्यादा कठोर है, तेरे दिल से भी ज्यादा ये कठोर है, चलो याद हो गया। तो ये सेट था, नेक्स्ट सेट के साथ आ रहा हूँ, बाकी के एरिया भी कवर करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।